हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज हम जो बनाने वाले हैं, ये जो कुछ टुकड़े बचे हैं ब्लाउज़ के, या फिर आप सूट बनाते हो किसी के, या फिर ऐसे भी आपके पास कोई टुकड़ा पड़ा है ब्लाउज़ की, तो आज हम पूरा जो भी काम करेंगे हाथ से, सुई से करेंगे कि टुकड़े हमारे पास पड़े हुए हैं। देखिए, आपके पास भी होंगे, आपको जिस शेप में भी बनाना है, जो कलर भी लेना है वो आप ले सकते हो। और ये मैं, मुझे जिस साइज़ में चाहिए मैं वो, देखो मैंने लिया है, ये क्रीम कलर है और मेहरून कलर, रेड डार्क बोले तो अपना जो गुलाब का कलर होता है ना, वो कलर है। आपको जो भी कलर पसंद है आप ले सकते हैं कॉम्बिनेशन में। ये देखिए, मैंने लगभग लगभग ये जो बड़ा वाला जो पीस लिया है, ये है 5 इंच लंबाई है, 5 इंच चौड़ाई है। अब इसको, और छोटे वाले की भी सेम है, इसको मैंने बराबर करके और स्टिच कर लेना, स्टिच कर लेना है दो तरफ से, हमें स्टिच करना है इसको पहले। देखिए, इसको ऐसे स्टिच कर लेंगे। अब आपके घर में छोटे बच्चे हों या छोटी गर्ल्स, मतलब छोटी बच्ची हो, या किसी को, या आप खुद अगर ऐसा फैंसी क्लिप यूज़ करते हो तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक नोट लगा लीजिए, ताकि देखिए ऐसे आपकी जो सिलाई है, आपने इतनी मेहनत से लगाई है, वो ख़राब ना हो। अब इसको यहाँ से हम ऐसे पलट लेंगे। देखिए, ऐसे हम इसको पलट लेंगे, किनारे को आपको अच्छे से पलट लेना है। ये देखो, ऐसे हमको इसको पलटने के बाद, अब जो ये वाला साइड है इसको भी हम फोल्ड करेंगे, ये कोने अच्छे से निकाल लें। देखें ऐसे, ताकि आप चाहो तो और कोई शेप में भी बना सकते हो। अब ये बटरफ्लाई जैसे मैं बना रही हूँ, अब इसको ऐसे अंदर करेंगे। ये देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये यहाँ से मैंने इसीलिए इसको कट नहीं करा था, ताकि बाद में ज़्यादा नोट ना लगाना पड़े मुझे। यहाँ से मुझे ऐसे स्टिच करना है, ठीक है, ऐसे किनारे किनारे, देखो आप देख पा रहे होंगे, किनारे किनारे स्टिच करना है। देखिए कितने अच्छे से और इजी तरीके से। आपके पास अगर सिलाई मशीन नहीं होगी ना, तो भी आपका काम चल जाएगा। और अगर आपके घर में कोई छोटी सी क्यूट सी बेबी हो, आपकी बच्ची हो, अगर उसको ऐसे क्लिप आप बनाओगे तो उसके तो भाई आप क्या जवाब नहीं है, आप मेरे पास इतनी खुश हो जाएगी। मेरे पास तो मेरी बेटी खैर अब है नहीं, ठीक है, तो आप ज़रूर अपनी बेटी के लिए ऐसा बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने पूरा इसको कंप्लीट कर लिया है। मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है ऐसा कुछ भी नया ट्राई करने को। और अगर आपके पास बेटी है तो आपका तो और ज़्यादा मन लगेगा इस चीज़ को करने में, क्योंकि हम माँ एक ऐसे होता है कि अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती। ये देखिए, मैंने ये दूसरा वाला भी मैं कंप्लीट कर लूँगी, जैसे मैंने उसको किया है वैसे मैं इसको भी कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए, ऐसे में लगा के मैंने, देखिए दोनों कंप्लीट कर लिए। इतनी सुंदर, इनका कलर ही मुझे इतना प्यारा लग रहा है ना, क्या एक लाइट कलर है, एक डार्क कलर है। अगर आप ऐसे ही कलर लोगे ना, एक डार्क एक लाइट, तो आपका जो है ना क्लिप भी बहुत प्यारा बन के आएगा, क्योंकि उठ के दिखेगा। आप बैकग्राउंड जो पीछे का कलर है वो लाइट रखोगे तो दो अच्छा है। ये मैंने इसका सेंटर निकाल के, अब यहाँ पे भी आपको ऐसे स्टिच कर लेना है। ये देखिए, ऐसे मैं स्टिच कर लूँगी, दोनों को ऐसे स्टिच करना है आपको। ये आप चाहो तो बच्ची की ड्रेस से मैचिंग करता हुआ आप बना सकते हो, आपकी ड्रेस से मैचिंग करता हुआ बना सकते हो। अब ये ही मार्केट में अगर क्लिप लेने जाओगे ना आप, तो फ्रेंड्स बता रही हूँ, कुछ नहीं तो 50 रुपीज़ का आपको ज़रूर मिलेगा। लास्ट तक देखिएगा, आप भी सोचेंगे क्या चीज़ है, क्या बना है ना। तो अभी देखिए हम इसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा लगता है कि अपनी तारीफ खुद ही कर लेते हैं, है ना, सामने वाले को मौका ही नहीं देते। अभी देखिए,
अब मैं इनको दोनों को ऐसे स्टिच कर लूँगी। ये मेरे पास हाथ वाली सुई है, देखिए हाथ वाली सुई से भी हम ऐसा नहीं है कि घर में ग्रहण या कोई सभी के पास मशीन नहीं होती है, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो हम खुद से हाथों से बना सकते हैं, है ना। ये देखिए मैं इसमें दो तीन टक ही लगाऊंगी, दो तीन लगा दिए मैंने। अब मेरे पास ये देखिए मेरा खजाना निकला है। अब ये खजाना आपको फ्रेंड्स पता चलेगा ये खजाने की खासियत क्या है, मैंने इसको क्यों खजाना बोला है। ये देखिए ये बड़ा है थोड़ा, ये क्लिप के हिसाब से छोटा वाला मुझे अच्छा लगा। अगर आपको बड़ा अच्छा लग रहा है तो आप बड़ा भी लगा सकते हो, आपको बताइएगा बड़ा अच्छा लग रहा था कि छोटा। मुझे तो छोटा पसंद आया तो मैंने ये लगाया, ठीक है। आप चाहो तो अपने हिसाब से कुछ मर्जी आपकी भी चला सकते हो। ये ठीक है, इसको हम ऐसे लगा लेंगे। ये देखो अच्छे से आपको इसको, ऐसा नहीं सारे काम आपको, देखो कुछ वीडियोस हम ऐसा नहीं मैं उन वीडियो की बुराई कर रहे हैं या गलत बोल रहे हैं कि उन लोग गलत बता रहे हैं। देखिए आप जितना काम हाथों से करोगे सुई धागे से करोगे उसमें जो फिनिशिंग और जो मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, मतलब स्ट्रॉन्ग बोले तो ये जो अगर इसको आप चिपकाओगे तो ये उतना आपको सर्विस नहीं देगा, या आपका बच्चा खुद निकाल के उसको फेंक देगा, है ना, या तोड़ देगा। अब ऐसे है कि हमने सुई धागे से उसको ऐसा स्टिच कर दिया है कि आपका बच्चा उसको कैसे नहीं कर पाए। ऐसे तो गंदा लग रहा है, लगा के दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखो। हाँ ये ऐसे में हम इसको लगाएंगे। अब इसको अगर आप चाहते हो क्यों, अब ये देखो मैं इसको ग्लू गन से यहाँ पे कर ले रही हूँ, इसको ग्लू गन ले लिया मैंने। कभी कभी वीडियो भी देखो अब अकेले बनाएंगे तो यार सॉरी, क्या होता है कि कभी कभी ये ध्यान ही नहीं रहता कि हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो हम खुद कैमरे से बाहर हो जाते हैं। अब ये देखिए सॉरी इसके लिए कि आपको थोड़ा सा वो मिस हो गया बीच का पार्ट, पर कोई नहीं, आप इतना तो मुझे पता है आप बहुत समझदार हो तब तो समझ ही जाओगे। ये देखो कितना सुंदर बनना है। अगर मेरे पास मेरा बच्चा या मेरी बेटी कोई होती तो मैं आपको ज़रूर उस पर ये ट्राई करके बताती कि कैसा लग रहा है। अब कुछ तो है नहीं, क्या करूँ। अरे ठीक है ये स्वेटर ही काफ़ी है, इसमें लगा के बताएं। ठीक है ये तो कितना प्यारा लग रहा है।